इस वीडियो में हम बात करेंगे 1992 की फिल्म ड्रीमिंग अबाउट यू के बारे में, जो कहानी है तोतो नाम के एक लड़के की, जिसके घर कुछ दिनों के लिए एक लड़की आई और उससे मिलते ही तोतो के लिए सब कुछ बदलने लगा। तोतो मैक्सिको में रहने वाला एक 13 साल का लड़का है, जो स्कूल की छुट्टियों में अपने दोस्त कीके के साथ शावेला नाम की एक लड़की पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। शावेला समझ गई कि वो दोनों लड़के उसे देख रहे हैं, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दोनों शावेला को पाने के सपने देखने लगे। कीके को वही छोड़कर तोतो अपने घर की ओर बढ़ा, जहां उसकी माँ इर्मा अपने बॉयफ्रेंड जेराड के साथ थी। इर्मा और जेराड एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तोतो की वजह से इर्मा इस रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं पाई। इर्मा समझ गई कि तोतो जानबूझकर देर से घर लौट कर आया, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जेराड को पसंद नहीं करता। पर उससे कुछ भी पूछने पर तोतो ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन घर की सफाई करते हुए इर्मा ने तोतो को कुछ तस्वीरें दिखाई। उसने बताया कि इर्मा के कजिन ने अजुसेना नाम की एक लड़की को गोद लिया था और अजुसेना कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने वाली है। पर यह सुनकर तोतो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा कि अजुसेना एक छोटी बच्ची होगी। खुशी खुशी इर्मा जेराड के साथ वक्त बिताने चली गई, और उसके जाते ही तोतो भी घर से बाहर चला गया। वो इलाके के नाई के पास गया, जो उसे अपनी 5 शादियों की कहानी सुनाने लगा, और उसकी मजाकिया कहानी सुनने के बाद वो कीके से मिलने चला गया। तब उसके सामने शावेला आ गई, जो कीके के घर में ही काम करती है, और उसे देखकर तोतो समझ गया कि वो भी तोतो को पसंद करती है। कीके और तोतो उस उम्र तक पहुंच गए थे जिस उम्र में लड़के सिर्फ लड़कियों को पाने के बारे में सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि अब वो बड़े हो चुके हैं। अपने दोस्त के साथ इसी बारे में बातें करने के बाद तोतो के घर लौटने का वक्त आ गया, और उसे अपने घर पर इर्मा की एक चिट्ठी मिली। इर्मा अजुसेना को रिसीव करने एयरपोर्ट चली गई थी, और ये जानकर कुछ देर बाद तोतो फिर से कीके के पास चला गया, और वो दोनों फिर से शावेला को छुपकर देखने लगे। अचानक उन दोनों से एक गलती हो गई, जिसकी वजह से उन्हें छुपना पड़ गया, और कीके ये सोचकर डरने लगा कि वो अपनी माँ से क्या कहेगा। देर रात इर्मा घर लौट कर आई, और तब तोतो को पता चला कि अजुसेना कोई बच्ची नहीं है। अजुसेना उम्र में तोतो से बड़ी थी, और उसे देखते ही तोतो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। उन दोनों की बातें सुनने पर तोतो को पता चला कि अजुसेना एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, पर उसका शादीशुदा बॉयफ्रेंड इस फैसले के खिलाफ है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई। इर्मा ने जेराड के बारे में बताया और कहा कि वो उससे प्यार करने लगी है। उन दोनों की बातों से ज्यादा अब तोतो का ध्यान अजुसेना पर था, और वो उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। वो अब उसी के बारे में सोच रहा था, और जब कीके को अजुसेना के बारे में पता चला तो वो भी उसे देखकर हैरान हो गया। वो दोनों फिर से अपनी शैतानियों में लग गए। और कीके के घर जाने पर तोतो को पता चला कि शावेला को तोतो और कीके का उस पर नजर रखना अच्छा लगता है। एक रात इर्मा ने बताया कि अजुसेना को थिएटर में काम मिल गया है, और इस बात की खुशी में वो तीनों फिल्म देखने जाएंगे। फिल्म के दौरान भी तोतो का ध्यान उसी पर था। वो अजुसेना को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर एक दिन उसे अपने पिता के साथ घर से दूर जाना पड़ा। अपने माता पिता के तलाक के बाद तोतो इर्मा के साथ रहने लगा, पर कभी कभार उसके पिता लुइस भी उसके साथ वक्त बिताते हैं। इर्मा की तरह लुइस भी किसी और से शादी करने वाला है, और इन रिश्तों के बीच तोतो की जिंदगी उलझने लगी थी। इस सबसे दूर जाने का तरीका उसे अजुसेना में नजर आ रहा था। वो अब उसके साथ वक्त बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। एक तरफ तोतो अजुसेना के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, तो वही कीके शावेला के करीब जाना चाहता था, पर शावेला का ध्यान सिर्फ तोतो पर था। तोतो इर्मा से दूर होने लगा था, और इस बात को लेकर वो परेशान थी, पर वो ये भी समझती थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ तोतो का बदलना भी नॉर्मल है। अजुसेना अब तोतो को अपने साथ हर जगह ले जाने लगी। और तोतो को लगने लगा कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। तोतो अपने आप को काबू में रखने की कोशिश तो कर रहा था, पर दिन पे दिन उसके लिए ये मुश्किल साबित होने लगा। कुछ दिन बाद अजुसेना के बॉयफ्रेंड जॉर्ज का कॉल आया, और तोतो को लगा कि उन दोनों की सुलह हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनका फिर से झगड़ा हो गया, और अजुसेना रोने लगी। कुछ देर बाद अजुसेना को समझ आ गया कि तोतो का इरादा क्या है, और नाराज होकर उसने तोतो को वहाँ से दूर भगा दिया।
पर अगले दिन खेलते हुए तोतो ने कीके से कहा कि आजुसेना को उसकी हरकतों से कोई परेशानी नहीं और उसकी बातें कीके मान गया। तोतो ने अब भी आजुसेना के बारे में सोचना बंद नहीं किया था और वो दिन रात उसे लेकर अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगा। उसका इमेजिनेशन जल्द ही ऑब्सेशन में बदल गया। एक रात तोतो ईरमा के साथ आजुसेना का शो देखने गया और जब वो थिएटर में घुसा तो उसे अजीबोगरीब लोग नजर आए। उन लोगों को देखकर वो हंसने लगा, पर कुछ देर बाद डर के मारे उसे वहाँ से भागना पड़ा। ऐसा होने की वजह से वो आजुसेना से नाराज हो गया। उसी रात फिर से जॉर्ज का कॉल आया और तोतो को लगने लगा कि आजुसेना अब उनके साथ नहीं रहेगी और वापस जॉर्ज के पास चली जाएगी। वो ये भी जानकर निराश हो गया कि जल्द ही जॉर्ज आजुसेना से मिलने उनके घर आने वाला है और फिर से ध्यान हटाने के लिए वो कीके के साथ वक्त बिताने लगा। आजुसेना ईरमा और जेराड के साथ जॉर्ज के आने का इंतजार करती रही, पर कई घंटे गुजरने के बाद भी वो आया नहीं, इसलिए तोतो फिर से खुश हो गया। वो आजुसेना को छेड़ने लगा पर आजुसेना ने उसे रोक दिया। वो ये बात ईरमा को बता सकती थी पर उसने कुछ भी ना कहने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसने तोतो से कहा कि वो उसके साथ डांस करना चाहती है, जिसके बाद जेराड और ईरमा एक दूसरे में इतना गुम हो गए कि उन्होंने आजुसेना और तोतो की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। आजुसेना ने तोतो से कहा कि वो उसके इरादे अच्छी तरह समझती है पर वो उसे रोकना नहीं चाहती। जब तोतो अपने कमरे में गया तब आजुसेना भी उसके पास आ गई और उसे पता चला कि तोतो उसके कपड़े चुरा कर अपने पास रखता है। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली गई और तोतो को लगने लगा कि वो बाल बाल बच गया। सुबह होते ही तोतो आजुसेना के पास गया और माफी मांगते हुए कहने लगा कि वो उसे इतना ज्यादा पसंद करने लगा है कि हर वक्त उसी के बारे में सोचता है। ठीक उस वक्त ईरमा वहाँ आ गई, पर इस बार भी आजुसेना ने ईरमा से कुछ नहीं कहा। बेफिक्र होकर तोतो कीके के साथ मजे करने लगा और पूरा दिन उसके साथ बिताने के बाद जब वो घर लौट कर आया तो सीधे आजुसेना के कमरे में चला गया। सही वक्त पर आजुसेना की नींद खुल गई और तोतो को अपने पास देखकर वो हैरान हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही तोतो ने उसे कमरे में आने का कारण बताया तो उसने बिना वक्त गवाए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तोतो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कीके के साथ नाई की दुकान में जाकर बैठ गया। तभी शावेला वहाँ आई और हर बार की तरह सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। ये सब कुछ शावेला को पसंद आ रहा था और ये बात तोतो भी जानता था। हर रोज की तरह दोनों दोस्त शावेला का इंतजार करने लगे, पर इस बार तोतो ने शावेला के साथ किसी आदमी को देखा। वो आदमी कोई और नहीं कीके का पिता था, जो शावेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सब जानकर कीके परेशान हो गया और तोतो ने वादा किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा, पर जब उसने देखा कि उसकी माँ घर लौट कर आ रही है तो वो अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में उसने अपनी गाड़ी का कांच फिर से तोड़ दिया और अपने पिता को बचाकर खुद की कुर्बानी दे बैठा। ये सारी बातें जब ईरमा तक पहुंची तो वो फिर से तोतो को डांटने लगी। कीके ने अपने माता पिता और ईरमा से कह दिया था कि गाड़ी का कांच तोतो ने तोड़ा है, इसलिए अपने दोस्त से किए वादे की वजह से सारा इल्जाम तोतो ने अपने सर पर ले लिया। आजुसेना के घर लौटने का वक्त पास आ रहा था और मेक्सिको में अपने आखिरी दिन वो तोतो के साथ बिता रही थी। तोतो सोच रहा था कि शायद आजुसेना उससे नफरत करने लगी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो खुशी खुशी तोतो के साथ वक्त बिता रही थी, पर फिर अचानक तोतो की एक हरकत ने आजुसेना को फिर से दूर कर दिया। तोतो ने अपना एक आखिरी मौका भी गवा दिया और यही सोचकर वो फिर से निराश हो गया। पर अचानक उस रात आजुसेना उसके पास आई और आखिरकार तोतो को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। आजुसेना को पानी की खुशी में तोतो बदल गया और अपने घर लौटने के बाद उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। शावेला हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चली गई। आजुसेना फिर से अपने घर लौट गई और उसे एक नया प्यार मिल गया और ईरमा ने जेराड को छोड़ दिया। कीके का परिवार भी कुछ दिनों के बाद शहर छोड़कर वहाँ से चला गया, पर तोतो उस साल की छुट्टियों को कभी भूल नहीं पाया और उन दिनों को याद करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।